नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा आप सभी का स्वच्छ दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे हम लोग ने पहले भी कह के रखा हुआ है कि हम आपके समक्ष तमाम समाज के ऐसे आइकॉन जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए करने का कुछ जज्बा है और समाज उनसे लगातार प्रेरणा ले रहा है। कोरोना काल में वैसे भी सरकार की खाली जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हमारे लिए खाना पानी सब कुछ मुहैया कराए। सरकार जितना हो सकता उतना करवा रही है। ऐसे ही बाराबंकी से सुमन फाउंडेशन की संचालिका सुमन श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, मैं उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टूडियो में। और हेलो सुमन जी, सुमन जी सुन पा रही हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए तो सुमन जी से जानना चाहते हैं कि सुमन जी किस तरह से लोगों की मदद कर रही हैं इस कोरोना काल में बाराबंकी से। सुमन जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, बताइए सुमन जी हमको। थैंक यू। इसमें कोरोना काल में हम लोग घर घर जाके बाहर जो देखते हैं कि वहाँ पे उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, राशन वगैरह जाके देते हैं, मास्क थोड़ा लेबर टाइप के लोग होते हैं, धूप में काम कर रहे होते हैं, उनको कुछ वगैरह हम लोगों ने बांटा है। और इसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो उनकी हर प्रकार से हम लोग मदद करते हैं। जो भी उनको चाहिए उसी हिसाब से हम लोग जाके उन लोगों की मदद करते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कोरोना से बचाव के लिए कि उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके वजह में हम लोगों ने पर्चा भी छपवा के वितरित किया है और जगह जगह पे उसको हम लोगों ने चिपकाया भी है ताकि लोग को पढ़े और उससे बचाव के लिए उपाय करें। अच्छा, बहुत अच्छा है सुमन जी। सुमन जी ये सुमन फाउंडेशन आप कब से संचालित कर रही हैं, कितने वर्ष हो गए आपको इस सुमन फाउंडेशन को संचालित करते हुए? ये मेरा लगभग 3 वर्ष हो रहा है, इसी जून में मेरा 3 वर्ष पूरा हो जाएगा 3 जून को। कि आपकी संस्थान के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, कितने लोग जुड़े हैं आपके संस्थान से बाराबंकी में, और बाराबंकी या बाराबंकी के अलावा भी ये संस्थान संचालित हो रहा है? मेरे फाउंडेशन में लगभग बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी चूंकि पहले हम लोग महिलाओं पे ही काम करते थे, उसके बाद हम लोग बच्चों और बुजुर्गों और अन्य चीजों पे काम करना शुरू कर दिया है। और इसमें लगभग हमारे साथ 10-12 महिलाएं हैं जो मेन महिलाएं जो काम करती हैं। और उसमें हम लोग इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम या अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह कराते रहते हैं। और मेरी ब्रांच जो है, हमने एक ब्रांच और अभी डाली है तो कर्मवीर SF ब्लड डोनर्स करके, उसमें लगभग 25 लोग ऐड हो गए हैं और जो किसी की जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद को ब्लड डोनेट करके उनको लाभ पहुंचाएंगे। चलिए, एक बात तो ये समझ में आई कि ब्लड डोनेशन भी आपका एक कार्य है और समाज सेवा का कार्य तो कर ही रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई विशेष फील्ड है आपकी जहाँ पे आप काम कर रही हैं, जैसे बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए या वृद्धों के लिए, क्या आपका जो विशेषक विशेष जो आपकी विशेषता है वो किस चीज में है सुमन जी? हम लोग ज्यादातर जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज में जो फैले हुए, उन्हीं मुद्दों को लेकर जगह जगह जाके अवेयरनेस के प्रोग्राम आयोजित करते हैं। और उसके माध्यम से जैसे बाल सुरक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस टाइप के शिविर ऑर्गेनाइज करके हम लोग, योगा हो गया, 15 दिन का योगा शिविर लगाया था। इस तरह जितने भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर जाके हम लोग अवेयर करते हैं लोगों को। और साथ ही अभी जल्द ही हम लोग यहाँ पे एक सिलाई सेंटर भी खोलने जा रहे हैं जहाँ पे गरीब लड़कियाँ आके, महिलाएं वहाँ पे रोजगार को उपलब्ध कराएंगे। अभी जल्दी ही आपने कुछ देख एक दिन का भोजन देकर देखिए अच्छा लगेगा इस टैगलाइन के तहत कुछ भोजन वितरण का काम शुरू किया था, उसके बारे में बताइए कि वो कैसे आपके दिमाग में विचार आया और कब तक उसको एग्जीक्यूट किया? ये हम लोग हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने आपस में ये तय किया कि लेने के लिए, अपनी मदद के लिए बहुत से लोग हैं जिनको करी जाएगी मदद, लेकिन इतना ज्यादा अनाज और राशन हर चीज कहाँ से आएगी, क्योंकि सबको सारी चीजों की जरूरत है। तो फिर ये सब बात होती रही, फिर एकदम से यही दिमाग में आया कि अगर एक एक घर से एक एक राशन ले लें तो ये रहेगा कि कम से कम लोग देने वालों को भी नहीं खलेगा और
लेने वालों को सभी को वो चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, ऐसा विचार हम लोगों ने आपस में तय करके और फिर से इस मुहिम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उसमें काफी सफलता मिली। जैसे जैसे हम लोग ये काम शुरू करते गए वैसे वैसे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते गए, बहुत सारे वाराणसी वासी ने मदद की इस काम में और बहुत लोगों तक हम लोगों ने लाभ पहुंचाया। जी, बिना धन के कोई काम करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है, हर काम के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जब आप लगातार 3 साल से इस काम को कर रही हैं, किसी ना किसी तरीके से समाज की सेवा कर रही हैं, तो धन की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से आप अपने समाज कार्यों के लिए धन मुहैया कराती हैं, कैसे आप जो है वो पूंजी प्राप्त करती हैं, कई गवर्नमेंट से फंड लेती हैं या खुद ही आप लोग इकट्ठा करते हैं, कैसे करते हैं? मैम, अभी तक तो गवर्नमेंट से कोई सहायता हमें ली नहीं है और ये पूंजी हम लोग खुद ही इकट्ठा करके और खुद जो भी करना होता है हम लोग उसी तरह काम करते हैं। और हमारा ये सोचना है और भी लोगों से, जो हमारे ग्रुप में सभी से हमें कहते हैं कि दिखावा करना कम करिए, दिखावा करने में जो आप पैसा खर्चा करते हैं वो पैसा आप बचा के रखिए और वो ऐसे जरूरतमंद लोगों को पैसा दीजिए और उनके ऊपर खर्चा करिए, जो भी समाज में इतनी समस्याएं फैली हुई हैं वो चीज उनपे आप करिए। तो यही सोच लेके हम लोग वो पैसा उन्हीं पर लगाते हैं। आगे सुमन फाउंडेशन की भविष्य में क्या योजनाएं हैं? मेरी यही योजना है कि कुछ बुजुर्गों के लिए आजकल जो वृद्धावाश्रम बहुत ज्यादा जगह जगह स्थापित किए जा रहे हैं, मेरा मानना है कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को जो आराम और जो प्यार घर में अपने बच्चों के साथ मिलता है वो उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं प्राप्त होता है, वहां तो उनकी मजबूरी होती है। तो ऐसा क्यों ना कुछ ऐसा प्लॉट तैयार किया जाए कि बच्चों और बुजुर्गों में तालमेल ऐसा बैठा जाए और उनकी मीटिंग ली जाए। का एक कार्यशाला के लिए हम सोच रहे हैं, एक उसकी ब्रांच डालने के लिए सोच रहे हैं जिसमें एक हेड होगा और ये हम लोग 1 महीने के अंदर 4 कार्यशालाएं ली जाएगी और उसमें 2 कार्यशाला में बुजुर्गों की सारी बातें उसकी सुनी जाएगी, जितना वो जो चाहे जो बोल सकते हैं अपने बच्चों के लिए अपने लिए। फिर 2 कार्यशाला में उनके फैमिली वालों को बच्चों को बुलाया जाएगा उनके लिए जाएगी, फिर ये देखा जाएगा कि दोनों में कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को हम लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो कोई भी बच्चा माँ को अपने वृद्धाश्रम में न डाले और ना ही माँ अपने बच्चों से दूर रहे। यही हमारी सोच है आगे के लिए। सुमन जी, आपसे बात करने की बहुत इच्छा है, अभी सुमन फाउंडेशन के कार्य के बारे में बहुत कुछ और जानना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि नेटवर्क का थोड़ा इश्यू आ रहा है, हमारी आपकी पूरी बात नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से पुनः मिलना चाहूंगा और अपने दर्शकों से ये वायदा भी करता हूँ, सुमन जी को दोबारा से आपके सामने लेके आऊंगा ताकि आप उनसे अपने प्रश्न भी पूछ सके। और इसी आशा के साथ, आप अगर आपके दिमाग में कोई सुमन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं सुमन जी आपसे दोबारा मिलने का वायदा करके आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। नमस्कार।